सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दुकान पे गई हुई थी तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ घर और मम्मी घर का थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। तो बस ब्लॉग पर बने रहिए और चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और यहाँ पे देखिए चावल मेरा बन चुका है और ये सब्जी बस बनाना है। ये आलू, लौकी और तोरई तीन यहाँ पे मिक्स वाला है, तीनों मिक्स का बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये तोरई का जो छिलका है, ये इसकी ना चटनी भी बनता है लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी इसको। और भी थोड़ा सा है तो रही तो उसको बाद में मैं किसी दिन बनाऊंगी ना, कल या परसों, जब भी बनाऊंगी तब शेयर करूंगी इसकी चटनी। तो बस अभी मैं जल्दी से बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। ये वाला रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, शाम का रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले इसको बना लेती हूँ। चावल तो बन चुका है बस। तो बस खाना मेरा बन चुका है और अभी मैं दिखा देती हूँ। बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये रहा चावल और ये रहा सब्जी। ये सब्जी है, मैंने थोड़ा सा गीला करके बनाया हुआ है क्योंकि दाल नहीं लगाऊंगे ना, चावल सूखा है तो इस वजह से। मैं जा रही हूँ दुकान बंद करने क्योंकि पापा तो दुकान पे थे, भैया बाहर गए हुए हैं ना, तो इसी वजह से दुकान खुला है अभी, मतलब लॉक किया गया है लेकिन बस गेट ही लॉक किए हैं। तो घर का सारा दरवाज़ा मैंने बंद करके फिर जाना है मम्मी के पास। दुकान बंद कर दूंगी और फिर जाऊंगी मम्मी के पास। खाना तो बन चुका है, थोड़ी देर उधर जाके फिर से आऊंगी। पसीना बहुत हो रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का धान है, ये अभी थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा बीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा कच्चा है। इधर से यहाँ पूरा ये, और उधर भैया उस दिन हल जोत रहे थे कल। देखिए इतना सारा ये हम लोग का है और उधर मम्मी है, उधर मम्मी है। जो पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला जो पेड़ दिख रहा है उसके पास। तो मम्मी यहाँ पे ना जो बीरी हम लोग बोलते हैं, उड़द की दाल जो है, उसी को यहाँ पे किए हैं। ये आंट बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब खेत की तरह नहीं है ना, तो इसी वजह से तो इस पे हम लोग उड़द दाल जो बीज था वही यहाँ पे डाले थे। तो उसी के अंदर थोड़ा सा घास हो गया था। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा घास मम्मी खींच के रखी होगी और वही निकालना था। तो सुबह तो खाना मैं बनाती हूँ तो मम्मी थोड़ा सा फ्री रहती हैं जैसे 9 या 10 बजे के टाइम, तो इसी वजह से बीच बीच में ना खेत का थोड़ा बहुत ऐसे जैसे घास अभी यहाँ पे हो गया या छोटा छोटा जो काम होता है वो यहाँ पे आके देख लेती हैं या कुछ भी कर लेती हैं। तो अभी यहाँ पे बीच बीच में ना घास हुआ था तो वही यहाँ पे साफ़ करने के लिए आ रही थी, क्योंकि घास बड़े हो जाएंगे ना, ये जितना भी पौधा है ये इसको पूरा दबा देंगे और फिर घास उगने लगेगा, ये कुछ होगा भी नहीं, कुछ मतलब फल भी नहीं आएगा इस पर। तो इसी वजह से, और यहाँ पे देखिए ये घास है, साग भी बोलते हैं, खाते हम लोग, लेकिन जब पहला बारिश होता है ना, मतलब बारिश जब होता है पहला तभी इसको खाने में अच्छा लगता है, बाद में और फिर नहीं। तो ये अभी घास हो गया है तो उसको निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर साइड उतना घास नहीं है लेकिन इधर साइड बहुत ज़्यादा घास था। और बीच बीच में ना यहाँ पे हम लोग भिंडी भी दे रखे थे। और उधर देखिए जेनी की दादी, मतलब मेरी भी दादी हैं, तो वो ना खेत पे रुपाई हो रहा था उनका, धान की रुपाई हो चुका है। और अभी ना खेत के अंदर जो रह जाता है ना घास वगैरह होता है तो ढूंढ ढूंढ के उसको फिर निकालना होता है, तो वही उधर निकाल रहे हैं। और ये हम लोग का खेत है जो कि इस साल उसी तरह बेकार ही गया है, बिना बारिश के इसी तरह ही हो गया है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे रुपाई करते हैं धान की। और भी 2-3-4 ऐसे खेत हैं जिसकी रुपाई नहीं हो पाया है और उसी तरह वेस्ट चला गया है इस साल। इस पे ना चाचा लोग का जो बैल या गाय जो भी हैं
यहाँ पिलाते हैं बांधने के लिए, घास चराने के लिए। तो अभी दुकान पे आई हुई हूँ, सुबह भी आई थी दुकान पे, और अभी करीब 1:30 बजने वाला है। और दुकान पे जाने के लिए पापा बोले थे, क्योंकि कल ना एक पूजा है हम लोग के यहाँ पश्चिम उड़ीसा के, सब लोग मनाते हैं इसको, जैसे कि मम्मी लोग मनाते हैं, और फिर बाद में और एक है जो लड़कियाँ मनाते हैं। तो कल मम्मी लोग पूजा रखेंगे अपने बेटे के लिए, तो उसी के लिए ना कुछ सामान, पूजा का सामान पापा लेके आए थे। तो फिर बोल रहे थे कि दुकान पे चले जाओ और रहना ऐसे करके, थोड़ी देर रहना और शाम को फिर मैं या भैया कोई भी आ जाएंगे, ऐसे करके फिर बोले थे पापा। तो मैं अभी दुकान पे आई हुई हूँ, और फिर जाके खाना भी बनाना है रात का, फिर थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर जाना है घर। और अभी मैं थोड़ी देर रुक के फिर जाऊँगी, उधर लड़के लोग खेल रहे हैं उधर साइड पे, बहुत आवाज़ आ रहा है उधर से। तो यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे लड़के हैं ना, वो सब यहाँ पे गोटियाँ खेल रहे हैं, लोहे का गोटी है तो वही यहाँ पे खेल रहे हैं। और ना काफ़ी सारे 5-6-7 ऐसे मिल के खेल रहे हैं लड़के। इन लोग का अभी स्कूल खुल गया है, स्कूल चले जाते हैं 1-1:30 बजे तक स्कूल छुट्टी हो जाता है, तो ये सब आते हैं। और अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी इसीलिए ये सब खेल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, और अभी दुकान के सामने आ गए थे। तो मैं सोची कि आप सभी को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि बचपन का जो यादें होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बचपन में किस तरह हम लोग खेलते हैं, क्या करते हैं, ये सब। तो देखिए ये सब गोटियाँ खेल रहे हैं, ये भी जब बड़े हो जाएंगे ना, तो इनको भी याद आएगा कि गोटियाँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको सुबह ही थोड़ा सा इसको पानी में भिगो के रख दी थी, मटर है ये, इसको बनाना है अभी। और उसके साथ ये आलू मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज करके कट कर लिया है। तो पहले अभी इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी और बस अभी इसको 2 या 3 व्हिसिल आने तक इसको बॉईल करना है। तो अभी जब तक ये चना और आलू बॉईल हो जाता है, तब तक मैं यहाँ पे मसाले रेडी कर लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लहसुन प्याज अदरक ये सब लेके फिर इसको पहले छील के फिर रेडी कर लेती हूँ सबसे पहले। बस मसाला यहाँ पे देखिए मैंने रेडी कर लिया है, ये 4 लौंग है, 2 इलायची है, और ये 5-7 कुछ गोल मिर्च, काली मिर्च शायद बोलते हैं, वही है हम लोग गोल मिर्च ऐसे कुछ बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और 4-5 यहाँ पे धनिया भी है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक 1/2 टुकड़ा, और यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ, और उधर प्याज 2 छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा साइज़ का प्याज मैं ली हूँ। और बस इसको पीस लूँगी मैं, सिलबट्टे से पीसूँगी। और टमाटर जो है उसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, कट करके डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस लिए हैं, मसाले में मैंने ऐड किया था 2 या 3 ऐसे सूखी वाली लाल मिर्च, क्योंकि पाउडर वाला घर पे नहीं है, तो सूखा वाला लाल मिर्च मैं इस पर ऐड करके मैं पीस ली थी। और ये टमाटर भी मैंने कट कर लिया हुआ है, और ये कुछ आलू है जो कि मैं निकाली हूँ, मतलब कि मैश करके लगाना है इसको ग्रेवी के लिए। और ये रहा आलू और चना, इसमें का पानी मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ, बाद में डालूँगी, इसको फेंकूँगी नहीं। तो फिर अभी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, और मम्मी नहीं थी घर पे, फिर से खेत पे चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो सोचती हैं कि काम कर लूँ, और किसी दिन ऐसे चला जाता है ना तो बोलती हैं आज कुछ कर भी नहीं पाई ऐसे करके। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सरसों डाल के जो मसाला पीसी थी वो 1/2 डालूँगी, पूरा तो नहीं डालूँगी, क्योंकि आलू और चना थोड़ा सा कम है। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल के फिर से इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि ये पूरा अच्छे से पकने लग जाए और ऑयल छोड़ने लग जाए। तब तक इसको चलाते रहना और भूनते रहना है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ, और टमाटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और अभी इसमें सीधा मैं नमक डालूंगी ताकि ये पूरा अच्छे से पकने लग जाए, और चलाऊंगी अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको, और थोड़ी देर इसी तरह ही चलाते रहना है, नहीं तो ये पूरा नीचे लगने लग जाएगा फिर। और उसके बाद अभी यहाँ पे आलू मैं मैश की थी जो, उसी को डालूंगी और इसको पूरा थोड़ी देर अच्छे से मिलाऊंगी ताकि टमाटर और ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद जो आलू और चना है वही यहाँ पे डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद बस अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसका जो ग्रेवी है ना, ये अगर आप चाहें तो फिर थोड़ा सा कम कर सकते हैं हाई फ्लेम रख के। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी थी और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और ये वाला पानी डाली हूँ। अगर आप सूखा बनाना चाहते हैं ना तो पानी फिर स्किप कर दीजिएगा, उसको ऐड मत करिएगा, पूरा सूखा बनेगा। मुझे ग्रेवी वाला चाहिए तो मैं ग्रेवी वाला बनाई हूँ। और घर पे दाल अभी रात को नहीं बनाऊंगी ना, रोज़ रोज़ दाल कैसे अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे करके मम्मी बोली थी। तो ये पूरा थोड़ा सा कम हो जाएगा तो पूरा थिक हो जाएगा। और अभी मैं निकाल के यहाँ पे बाहर ले आई हूँ, देखिए पूरा कितना गाढ़ा बना है और अच्छा बना है, टेस्टी बना है, कलर दिखाने के लिए मैं ले आई थी बाहर। तो बस फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।